हेलो लास्ट हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग ट्यूरिंग मशीन का रिप्रेजेंटेशन स्टडी किए थे। अब जो है ट्यूरिंग मशीन, उसमें हम लोग ने ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन सीखा था, लेकिन ट्रांजिशन डायग्राम जब बनाएंगे तो कैसे ट्रांजिशन डायग्राम पे लेवलिंग करते हैं, क्योंकि मेन इशू होता है इस पे लेवल करना है, इस पे क्या क्या लेवल करेंगे वो चीज़ सीखना। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर एज बनते हैं उस पे क्या क्या लेबल होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में लेबल किया जाता है, और वो लेबल अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा जहाँ, अल्फा क्या है, अल्फा होता है करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टैप। बीटा क्या होता है, बीटा इज़ मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द सेल, मतलब जिस सेल से हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो भी सिंबल पढ़ रहे हैं या करंट सिंबल जो भी है टेप, उसके जगह पे हर एक वो में मॉडिफिकेशन होता है, तो जो भी मॉडिफाई करके लिखना है वो बीटा होता है। अब हो सकता है अल्फा बीटा इक्वल हो, कोई इशू नहीं है। और गामा जो होता है थर्ड पार्ट, वो होता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब आपका हेड अब किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि अगर कोई ट्रांजिशन रूल है, उस ट्रांजिशन रूल का इक्विवेलेंट एज बनाना है तो कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी। तो अल्फा ये आ गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ये तीन चीज़ मिलके ही हम राइट करते हैं एज पे, मतलब लेबल करते हैं। तो बीच वाला पार्ट इधर का बीटा हो जाता है, और इधर का लास्ट पार्ट जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है गामा हो जाता है। करंट इनपुट सिंबल आपका ये है, तो करंट इनपुट सिंबल फर्स्ट पार्ट रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग, सपोज द ट्यूरिंग मशीन इंटर्स क्यू आई एंड रीड राइट हेड स्कैन द प्रेजेंट सिंबल अल्फा, एज ए रिजल्ट द सिंबल बीटा इज रिटन इन द सेल नंबर रीड राइट हेड। द रीड राइट हैड मूव्स टू द लेफ्ट और टू द राइट डिपेंडिंग ऑन गामा। इसी चीज़ को वो बता रहा है, समझा रहा है, पूरा जो भी आप वहाँ ट्रिपलेट फॉर्म में एज पे लेबल करेंगे उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एज पे लेबल है तो अगर कोई एज क्यू आई स्टेट से क्यू जे है, जो यहाँ पे लिखा गया है इसी चीज़ का बता रहे हैं कि अगर क्यू आई और क्यू जे के बीच में कोई एज है तो उसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्यू आई एक स्टेट है और एक क्यू जे स्टेट है, उनके बीच में एज बना हुआ है, तो एज पे लेबलिंग होगी। लेबल में पहला सिंबल अल्फा होगा, दूसरा सिंबल बीटा होगा, तीसरा सिंबल गामा होगा। तो इसको इंटरप्रेट यही करना है कि इन प्रेजेंट द स्टेट इज़ क्यू आई एंड करंट इनपुट सिंबल अल्फा, एंड इट मशीन विल इंटर इन क्यू जे स्टेट आफ्टर राइटिंग बीटा यूजिंग रीड राइट हेड इन टू द प्रजेंट सेल या करंट सेल, एंड गामा विल गिव डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। नेक्स्ट जो है इसमें ये भी एक फॉर्मेट देके समझाया गया, उसी सब चीज़ों के वही सेम चीज़ें हैं। क्यू आई जो है आपका प्रेजेंट स्टेट हो गया, क्यू जे आपका नेक्स्ट स्टेट हो गया, बाकी ये अल्फा बीटा गामा एज पे लेबल है। तो अल्फा बीटा गामा एज पे लेबल है, क्यू आई प्रेजेंट स्टेट है, क्यू जे आपका नेक्स्ट स्टेट है। तो उसी चीज़ को कई अलग अलग तरीके से समझाया गया है, बाकी ये लिखा ही गया है कि एवरी एज इन द ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई या ट्रांजिशन सिस्टम, ट्रांजिशन सिस्टम ऑफ ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फाइव टपल। फाइव टपल में यानी कि फाइव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट स्टेट, सेकेंड पार्ट करेंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टैप, सेकेंड पार्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ करंट सेल, एंड गामा इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड, एंड क्यू जे इज़ नेक्स्ट स्टेट। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने कोई ट्रांजिशन डाइग्राम लिखा बना हो तो उसको कैसे कैसे समझना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए,
अगर ये एक स्टेट ए इस एज के बारे में हम समझना चाहें तो ये कह रहा है कि अगर करंट इनपुट सिंबल जीरो है और प्रेजेंट स्टेट Q1 है तो नेक्स्ट स्टेट आपका Q2 हो जाएगा, और जीरो जो जिस सेल से पढ़ना है उस सेल में X राइट कर देना है, R हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेट करना रहेगा। इसी ट्रांजिशन डायग्राम को यूज़ करते हुए यहाँ पे बनाया गया है, एक एग्जांपल लेके बनाया एग्जांपल समझाया गया है कि 0011 बी स्ट्रिंग है, तो उसमें हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो 0 0 जो आपका है, 0 इनपुट पे, चूँकि शुरू में इनिशियल स्टेट Q1 ही है, तो Q1 स्टेट में रहते हुए अगर 0 हम रीड करेंगे तो उसमें यही बोला गया है कि उस सेल के अंदर X लिखना है और राइट डायरेक्शन में हेड जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, और 0 की जगह पे X हो जाएगा और हेड अब आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये इतनी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद स्टेट, चूँकि स्टेट अब आपका Q2 हो गया है, Q2 स्टेट में 0 पढ़ना है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे ये वाला यूज होगा। Q0 रीड करेगा तो 0 ही लिखेगा और राइट डायरेक्शन मूव कर जाएगा, स्टेट नहीं चेंज होगा, यानी कि हेड आपका यहाँ पे आ जाएगा और Q2 स्टेट रिमेंस रहेगा। Q2 स्टेट में फिर अगर 1 पढ़ने मिलता है तो देखिए ट्रांजिट करके Q3 में जा रहा है, यानी कि हेड अब आपका यहाँ पहुँचा लेकिन Q3 स्टेट हो चुका है। 1 के जगह पे Y लिखना है, यानी कि इस जगह पे Y लिख देना है। तो पहला 0 पढ़ा उसको X किया और पहला 1 पढ़ा तो उसको Y कर दिया, यही लॉजिक है इसमें। उसके बाद Q2, चूँकि Q2 स्टेट में वो रहते 1 पढ़ा है तो Q3 में पहुँच गया है। अब Q3 स्टेट में क्या क्या दिया हुआ है, Q3 से Y ट्रांजिशन के लिए रूल दिया है, X ट्रांजिशन के लिए रूल दिया है, 0 के लिए रूल दिया हुआ है, B के लिए रूल इसमें फ़िलहाल तो नहीं लिखा है, क्योंकि अगला सिंबल आपको B मिलने वाला है तो उसके लिए तो कोई रूल लिखा नहीं है, तो इस वजह से, और 1 के लिए भी कोई रूल नहीं है, तो रुक जाएगा और क्या, हाल्ट कर जाएगा जब कोई रूल नहीं लिखा है। मेन मतलब इसमें यही बता रहा था कैसे इंटरप्रेट करना है, वही चीज़ यहाँ पे नीचे भी समझा दी गई है, सारा चीज़ फाइनल वैल्यू आफ्टर में आफ्टर स्टेप्स, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन चीज़ है कि Q0 स्टेट में Q1 स्टेट में 0 रीड कर रहा है तो उसके जगह पे X लिख रहा है, ठीक है, तो इस सेल में X हो जाएगा और Q2 स्टेट में पहुंच जाएगा। तो Q2 स्टेट में रहते हुए जब इस 0 को पढ़ेगा तो Q2 में ही रहेगा, ये वाला एज यूज होगा, और अब आपको 0 की जगह पे 0 ही रखना है, लेकिन Q2 स्टेट में जब 1 पढ़ रहा है तो ट्रांजिट करके यहाँ पे जा रहा है, ये ध्यान देना है। तो Q2 स्टेट में अगर 1 पढ़ेगा तो 1 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1 जब पढ़ेगा Q2 स्टेट में रहते हुए तो Q3 पे जा रहा है, तो Q3 पे अगर जा रहा है तो यहाँ पे आने पर उसका स्टेट Q3 हो जाएगा, और 1 की जगह पे Y लिख रहा है तो इस जगह पे तो Y हो गया, और लेकिन जो है यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो रहा है, लेफ्ट मूवमेंट के बारे में दिया है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब उसका मतलब फिर 0 पढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट जा रहा है तो Q3 स्टेट में 0 पढ़ने के लिए ट्रांजिशन रूल दिया गया है, तो इस 0 को पढ़ेगा, इस 0 को जब पढ़ेगा तो उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है 0 को 0 रखेगा और लेफ्ट में चला जाएगा तो इस डायरेक्शन जाएगा, फिर इस Y को पढ़ेगा आप, तो Y पढ़ने के लिए ऑप्शन दिया होगा, उस तरीके से आप लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये पूरा उसका ट्रांजिशन बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे ये बना हुआ है।
ठीक है, कैसे ट्रांजिशन रूल यूज़ करना है सब हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, लेकिन इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बहुत सारे मूव्स जो हैं बीच में लिखे नहीं गए हैं, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगेन जो है लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी बाई ट्यूरिंग मशीन है, कैसे लैंग्वेज रिकॉग्नाइज या कौन सी स्ट्रिंग वैलिड है या लैंग्वेज का पार्ट है उसको समझने के लिए जो रूल होता है यही है। Q0 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो इनिशियल आईडी आपकी Q0 फॉलोड बाई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पूरी Q0, क्योंकि आईडी जो होता है उसमें स्टेट रहता है, स्टेट के लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग का पार्ट होता है प्रोसेसिंग स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग के और स्टेट के राइट में प्रेजेंट इनपुट सिंबल और जो भी उसके सबसिक्वेंट सिंबल्स होते हैं सब रहते हैं। लेकिन शुरू शुरू में क्या होगा, शुरू शुरू में पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है प्रोसेस तो हुआ नहीं है, तो Q0 जो स्टेट है इनिशियल उसके बाद में ही सारी स्ट्रिंग रहेगी आईडी के अंदर, तो ये Q0W हो गया। तो ये W तभी एक्सेप्टेड माना जाएगा जब आप चाहे जितने मूव यूज़ कर लीजिए, उससे कोई इशू नहीं सुनाते। यहाँ स्ट्रिक लगा दिया गया है कि मतलब सो मेनी मूव्स या आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सो मेनी ट्रांजिशन रूल मशीन रीच दिस इन दिस कॉन्फ़िगरेशन वेयर पी इज़ द वन ऑफ द स्टेट दैट इज़ फाइनल स्टेट, पी बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाइनल स्टेट एंड अल्फा वन एंड अल्फा टू इज़ द लेफ्ट सब स्ट्रिंग एंड अल्फा टू इज़ राइट सब स्ट्रिंग। पी के मतलब लेफ्ट में जो स्ट्रिंग का पार्ट है, जो इनपुट टेप का कंटेंट है वो, और अल्फ़ा टू जो है राइट में, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू टेप सिंबल से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो इस तरह की चीज़ आप ना पढ़े हो, ये पहले भी इसी तरह से ही मैच करता हुआ रहता था PDA में, और PDA में भी पढ़ा है, FSM में पढ़ा है। बस ये है कि ID थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में रहता है, PDA में दूसरे फॉर्मेट में रहता है। यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन में ये ख़ास बात रखनी है कि हमारा पहले पिछले भी वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि ट्यूरिंग मशीन हमारा दो तरीके का एक दो मतलब तरह से बिहेव करता है। एक तो वो ट्यूरिंग मशीन होता है जिसमें हमें स्ट्रिंग रिकॉग्निशन केवल करना रहता है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन का जो फाइनल कंटेंट होता है वो कोई बहुत रिगार्डलेस हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेशन पर्पस से होते हैं वो उसका जो फाइनल कंटेंट होता है मतलब हाल्ट करने के बाद वही हमारा आउटपुट ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे देखिए कि लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में इस तरह से चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी कि कोई भी ट्यूरिंग मशीन किसी भी लैंग्वेज को अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो लैंग्वेज इस तरह की स्ट्रिंग्स कंटेन करेगा, और जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे कि स्टार्ट स्टेट से प्रोसेस करने के बाद हम किसी फाइनल स्टेट पे पहुँचें, और फाइनल स्टेट पे पहुँचने के बाद वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही उस फाइनल स्टेट पूरी प्रोसेसिंग के दौरान वो कई बार उस फाइनल स्टेट पे जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन होना चाहिए कि हाल्ट होना चाहिए, फाइनल स्टेट में रहे और लेकिन करंट इनपुट सिंबल ऐसा हो कि जिसके लिए कोई ट्रांजिशन रूल डिफाइन ना हो, तो इस नाते वो हाल्ट कर जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए कि M डज नॉट एक्सेप्ट W इफ द मशीन M इंटर्स आइदर हाल्ट इन ए नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट। अगर मशीन ऐसे स्टेट में जाके रुकती है जहाँ जो कि फाइनल स्टेट नहीं है, तो भी वो स्ट्रिंग रिजेक्टेड मानी जाएगी। या फिर दूसरी सिचुएशन है कि अगर हाल्ट नहीं करती है तब भी, हाल्ट करना ज़रूरी है लेकिन हाल्ट ऐसे स्टेट में करे जो कि फाइनल स्टेट हो, ये ध्यान रखना है। व्हेन नन ऑफ एनी ट्रांजिशन फंक्शन इज अप्लीकेबल, मतलब हाल्ट के बारे में बताया जा रहा, हाल्ट कब करता है मशीन। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन रूल अप्लीकेबल ना हो, जितने ट्रांजिशन रूल डिफाइन है, तो मशीन तुरंत रुक जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेट क्यू है, उस स्टेट में मशीन इंटर कर गया है और करंट इनपुट सिंबल मान लीजिए 0 है। अब डेल्टा Q0 इज इक्वल टू अगर 5 है, मतलब कुछ नहीं डिफाइन है, तो मशीन 100% हाल्ट कर जाएगी।
यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और ये एग्जांपल जो है आपका लिखा है, कंसीडर द ट्यूरिंग मशीन यम डिस्क्राइब बाय द ट्रांजिशन टेबल गिवन बिलो। अब ये ट्रांजिशन टेबल यहाँ नीचे बना हुआ है, इस ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करते हुए आपको बताना है कि ये सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे